और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की जो संख्या है वो अब 28 हो गई है। उधर पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। अमृतसर बटाला में लोगों की जान गई है, आपको बता दें। और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? विशाल, क्या अपडेट है, गिरफ्तारी पर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? देखिए, कई लोगों को, क्योंकि बटाला और अमृतसर तरन तारण के अलग अलग मामले हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो नौकरी में क्योंकि ड्यूटी नहीं निभाई थी और इसी के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और तरन तारण विशाल